तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आदमी यूट्यूबर बनता ही इसलिए है, ये वाली वीडियो बहुत काम की है। दोस्तों आपको पता होगा 22 तारीख हो चुकी है और अभी गूगल एडसेंस का जो रिसेंट पेमेंट वाला जो मेल आता था अभी तक मेल रिसीव नहीं हुआ है। क्यों मैं मेल नहीं आया, क्या कारण है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस का अभी तक मेल क्यों नहीं आया। दोस्तों मेल जो होता था वो 21 या 22 को आराम से सब लोगों के पास आ जाता था, मैक्सिमम 22 होता था, नहीं तो हमेशा 21 को ही प्रोसेस हो जाता था। अगर 21 को कोई छुट्टी होती थी संडे वनडे तो उस कारण डिले होता था, तो 22 तक कंफर्म सबको आ जाता था। आज पर 22 हो गई है और अभी तक किसी को भी मेल नहीं आया है। और अगर गूगल एडसेंस में जाके देखेंगे तो वहां पर भी जो आपका अमाउंट है वो भी जीरो नहीं हुआ, मतलब जो भी डॉलर है आपके अभी भी आपको पूरा ही दिख रहा है, मतलब कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे ही कोई प्रोसेस हो जाता है तो वहां पर जो गूगल एडसेंस का जो आपको बैलेंस मिलता है वो जीरो हो जाता है वहां पर। और नीचे अगर आप देखेंगे वहां पर आपको दिख जाएगा लास्ट पेमेंट का और अमाउंट दिख जाएगा कितना आपका पेमेंट हुआ है जो भी आपका रहता है। बट अगर आप अभी जाके देखेंगे ना ही वो वहां पर बैलेंस जीरो हुआ है और ना ही आपके पास अभी तक कोई मेल आया। तो ये टेंशन की बात है या क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक ये सब लोगों के साथ हो रहा है, अकेले आपके साथ नहीं हो रहा, सभी यूट्यूबर के साथ हो रहा है और किसी का भी पेमेंट अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, ये वहीं से ही डिले चल रहा है। तो मैं आगे आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने गूगल के एडसेंस वाले ही पेज पे जाके दिया है। वहां पर आप देखेंगे ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं अगर आप देख रहे होंगे बिटवीन द 21 एंड द 26 ऑफ द मंथ, 21 से लेके 26 जो मंथ के जो बीच के 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इस टाइम हम प्रोसेस करते हैं। और क्या लिखा है, पेमेंट इन प्रोसेस इन लाइन अपीयर इन द पेमेंट पेज। जैसे ही हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपको अगर आप जाएंगे वहां पर गूगल एडसेंस में पेमेंट पेज में आपको वो मिल जाएगा और वहां पर आपको वायर ट्रांसफर का आपको उसका एडसेंस का जो ट्रांजेक्शन आईडी आपको वहां पर मिल जाएगी। इंडिकेट द अर्निंग प्रोसेस इशू टू द योर बैंकिंग इंस्ट्रक्शन वाइल द लाइन आइटम पेज से पेमेंट इंटेंड द मींस, मतलब जैसे ही वो पेमेंट भेजते पेमेंट उन्होंने वहां से सेंड करा तो वहां पर पेमेंट पेज पे जाके वो अपडेट हो जाएगा, उसका आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी और वही मेल आपके पास आ जाता है चेक योर रिसेंटली एडसेंस अकाउंट करके एक्टिविटी करके, जैसा कि सबके पास आता था और अभी तक नहीं आया तो वो आ जाता था। इनका ये कहना है कि आपको घबराने वाली बात नहीं है, 21 से लेकर 26 तक का आपको टाइम लेना पड़ता है। बट ये होता आया था कि यूट्यूब कभी 26 तक तो जाता ही नहीं था, हमेशा 22 तक ही सबको आ जाता था, बट अभी तक नहीं आया तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, 26 तक आपके पास टाइम है और वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में एक चीज़ और लिखी गई है, यू विल रिसीव योर पेमेंट अप टू 7 बिजनेस डे आफ्टर इट वाज इशू। आपके जैसे कि मान लो उन्होंने 26 तारीख के आपके वहां से पेमेंट को प्रोसेस करा, उसके 7 दिन बाद वो आपके अकाउंट में आएगा, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि यार 26 को उन्होंने प्रोसेस कर दिया मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जब वो प्रोसेस करेंगे उसके बाद 7 वर्किंग डे के बाद वो आपके अकाउंट में आता है। इसके बाद मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे 21 to 26 चेक मेल फॉर एलिजिबल अकाउंट, यू विल सी अ पेमेंट इन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया जैसे ही वो पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपके पास एक मेल आ जाएगा जो भी एलिजिबल अकाउंट है कि भैया हमने आपकी पेमेंट प्रोसेस कर दी, आप जाके पेमेंट पेज में वहां पर देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस करा है, क्या हुआ है। तो दोस्तों आपको एक चीज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेमेंट आ जाएगी, सबकी डिले हुई है, आपकी अकेली डिले नहीं हुई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो और कमेंट करना तो जरूर जरूर करें। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं।